हेलो दोस्तों, बॉलीवुड शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक हॉरर और थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है द ब्लैक फोन। कहानी शुरू होती है एक बेसबॉल गेम से, जहां ग्वेन अपने भाई के लिए चीयर्स कर रही होती है जब वो पिच कर रहा होता है, मतलब कि जब वो गेंद फेंक रहा होता है। ब्रूस गेंद को दो बार मिस कर देता है, लेकिन तीसरी बार पिच पर होम रन हिट करता है जिससे उसकी टीम जीत जाती है। गेम के बाद ब्रूस फिनी के हाथ की तारीफ करता है। बाद में जब ब्रूस अपनी बाइक पर जा रहा होता है, तब वो एक ब्लैक वैन देखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। सीन यहीं कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक दिन जब फिनी चुपचाप नाश्ता कर रहा होता है, तो उसका डैड टेरेंस फिनी को खाना खाते समय आवाज करने के लिए डांट देता है। जब ग्वेन ब्रेड कीपर को खोलती है, तो वो गलती से ढक्कन गिरा देती है और शोर के लिए जल्दी से माफी मांगती है, जिससे पता चलता है कि दोनों भाई बहन अपने डैड से कितना डरते हैं। उसी दिन दोनों भाई बहन स्कूल जाने के लिए निकलते हैं और फिनी ब्रूस के नाम का मिसिंग फ्लायर देखता है, जिससे फिनी को पता चलता है कि ब्रूस कुछ दिनों से मिसिंग है। वे जल्द ही रॉबिन और स्कूल के एक बुली मूज के बीच लड़ाई देखते हैं। रॉबिन आसानी से मूज को नॉक डाउन कर देता है, तो बाकी सब बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन फिनी ग्वेन को खींच लेता है। ग्वेन बचाव में कहती है कि मूज एक बुली है, बुली मतलब जो स्कूल में सबको परेशान करता है, धमकाता है, इसलिए मूज ये डिजर्व करता है। ग्वेन रॉबिन की तारीफ भी करती है क्योंकि वो स्कूल में सबसे टफेस्ट किड है, वेंस के बाद जो स्कूल का पिछला बुली था क्योंकि उसको भी ग्रैबर उठा ले गया था। साइंस क्लास के दौरान फिनी अपने रॉकेट शिप पेन के साथ खेलता है और फिर अपनी क्रश डोना को देखता है। क्लास के बाद फिनी देखता है कि बुलीज उस पर नजर रखे हुए हैं, तो वो एक टॉयलेट में चला जाता है, लेकिन बज, मैट और मैटी उसका पीछा करते हैं। लकीली रॉबिन वॉशरूम से निकलता है और बज, मैट और मैटी को डराता है। रॉबिन उनको धमकी देता है कि वो तीनों फिनी को फिर से परेशान ना करें, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उनके जाने के बाद रॉबिन अपने दोस्त को खुद के लिए खड़े होने की सलाह देता है। फिनी पूछता है कि वो मूज के साथ क्यों लड़ा, तो रॉबिन समझाता है कि उसने एक अच्छी सीख देने के लिए ये सब किया। फिर रॉबिन ने फिनी से मैथ्स के लिए मदद मांगी क्योंकि टीचर बहुत तेजी से पढ़ाती है, इसलिए उसे मैथ्स समझ नहीं आता, और फिनी उसकी हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है। इसी बीच ग्वेन को प्रिंसिपल के ऑफिस में डिटेक्टिव राइट और मिलर से बात करने के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने ग्वेन से पूछा कि उसने ब्रूस की बहन को क्या बताया, तो ग्वेन कहती है कि उसने अपने सपने में किसी काले गुब्बारे वाले आदमी को देखा जो ब्रूस को ले जा रहा था। डिटेक्टिव राइट से पता चलता है कि उन्हें उस जगह पर काले गुब्बारे मिले हैं जहां से ब्रूस और दूसरे बच्चों को उठाया गया था, लेकिन ये बात तो सिर्फ पुलिस को पता थी, इसलिए उन्होंने सवाल किया कि ग्वेन ने इसके बारे में कहां से सुना। राइट को ये यकीन है कि ग्वेन कुछ छुपा रही है, क्योंकि ग्वेन अपने बचाव में कहती है कि उसके सपने कभी कभी सच होते हैं। स्कूल के बाद ग्वेन अपने भाई को छोड़कर एक दोस्त के घर पर रहने के लिए चली जाती है। उस शाम फिनी को पता चलता है कि उसका डैड शराब पीकर बेहोश हो गया है, इसलिए वो घर की साफ सफाई कर देता है। बाद में फिनी आइसक्रीम खाता है, डरावनी फिल्में देखता है, जब तक कि उसको नींद नहीं आ जाती। सुबह फिनी ग्वेन की चिल्लाने की आवाज सुनकर जाग जाता है, क्योंकि उसके पिता टेरेंस ग्वेन को बेल्ट से पीट रहे थे, क्योंकि ग्वेन की वजह से पुलिस उनके ऑफिस पर पूछताछ करने आई थी। ग्वेन बताती है कि उसकी गलती नहीं है और अगर उसने उसको फिर से मारा तो शराब की बोतल तोड़ देगी, और ऐसा कहते हुए वो सच में बोतल तोड़ देती है। गुस्से में उसका पिता टेरेंस उसे फिर से मारता है। ग्वेन रोती है और टेरेंस से कहती है कि ग्वेन उसकी माँ जैसी नहीं है, जिसको ऐसी चीजें सपनों में दिखती थी जो रियल में नहीं होती थी। फिनी अपनी रोती हुई बहन को दिलासा देने के लिए उसके पास बैठता है। इसी बीच रॉबिन एक दुकान पर जा रहा होता है कि उसे एक आदमी काली वैन से बाहर आता हुआ दिखाई देता है, और उसी शाम रॉबिन के लापता होने की खबर फैल जाती है। ग्वेन अपने भाई को शांत करती है जो अपने दोस्त रॉबिन के बारे में टेंशन ले रहा है। फिनी ग्वेन से पूछता है कि क्या वो रॉबिन को अपने सपने में ढूंढ सकती है, लेकिन ग्वेन उसे याद दिलाती है कि वो अपने सपनों को कंट्रोल नहीं कर सकती है। फिर भी ग्वेन अपने कमरे में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे रॉबिन को ढूंढने का कोई क्लू मिल जाए, लेकिन तभी उसके पिता हॉलवे में लाइट चालू कर देते हैं और ग्वेन जल्दी से बेड में चली जाती है। कुछ दिनों बाद बज, मैट और मैटी फिनी की पिटाई कर रहे होते हैं क्योंकि अब उसको बचाने के लिए रॉबिन नहीं है, लेकिन उसी वक्त फिनी की बहन ग्वेन तुरंत एक पत्थर उठाकर मैटी को मारने और अपने भाई को बचाने आती है।
फिर वो बज से लड़ती है जो ग्वेन को नीचे फेंक देता है और बज और मैट फिनी की और पिटाई करते हैं। साइंस क्लास में स्टूडेंट्स को एक पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है तो फिनी को छोड़कर हर कोई अपना पार्टनर चुन लेता है। तब डोना खुद से उसकी पार्टनर बनने के लिए कहती है। स्कूल के बाद ग्वेन फिनी को डोना के बारे में चिढ़ाती है। फिर वो एक दोस्त के घर पर रात बिताने के लिए फिनी से अलग हो जाती है। उसके बाद फिनी एक खाली रास्ते पर चल रहा होता है जहां वो एक आदमी को एक काली वैन से ठोकर खाता हुआ देखता है जिससे उसका सामान रास्ते पर गिर जाता है। फिनी उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो आदमी एक जादूगर के रूप में अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिनी वैन के अंदर काले गुब्बारे देखता है। फिर वो आदमी दरवाजा खोलता है और गुब्बारों की मदद से फिनी को वैन के अंदर धकेल देता है और फिनी अपने रॉकेट शेप पेन से ग्रैबर के हाथ पर मारता है, लेकिन ग्रैबर फिनी के मुंह पर कुछ छिड़कता है और उसे अपनी वैन के अंदर घसीट लेता है। जब फिनी को होश आता है तो वो आदमी उसे एक कमरे के एक मैट्रेस पर पटक देता है। ग्रैबर अपने घायल हाथ के बारे में शिकायत करता है, लेकिन फिनी से कहता है कि वो अब उसे और चोट नहीं पहुंचाएगा। अचानक दूर एक फोन की घंटी बजती है। ग्रैबर वादा करता है कि वापस लौटने पर वो सब समझा देगा। जैसे ही ग्रैबर दरवाजा बंद करता है, फिनी उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो फिर कमरे की छानबीन करता है और उसे एक टॉयलेट का सेक्शन मिलता है। मैट्रेस पर वापस जाते वक्त दीवार पर एक काला फोन दिखाई देता है, लेकिन फोन डिस्कनेक्टेड है। जल्दी ही टेरेंस ग्वेन को फिनी के लापता होने की खबर देता है। पुलिस फिनी के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। फिनी फोन बजने की आवाज से जागता है, इसलिए वो फोन को चेक करता है, लेकिन उसी वक्त ग्रैबर वहां आ जाता है और उसे बताता है कि फोन काम नहीं करता। फिनी ग्रैबर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे। फिनी पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। ग्रैबर हंसता है। फिर फिनी को पता चलता है कि घर में कोई और भी है, इसलिए वो चिल्लाने की धमकी देता है। ग्रैबर उसे बताता है कि वो इंसान उसे सुन नहीं पाएगा जब दरवाजा बंद हो जाएगा, क्योंकि रूम साउंड प्रूफ है। तो फिनी सोचता है कि वो इंसान कौन है। ग्रैबर के जाने के बाद फिनी चीखना शुरू करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की काफी ऊंची है। अचानक फोन बजता है और वो फोन उठाता है, लेकिन किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, जिसके बाद फिनी सो जाता है और उसे इस बार फोन से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिनी डर जाता है। जब वो देखता है कि ग्रैबर उसे देख रहा है, फिनी खाना मांगता है, लेकिन ग्रैबर कहता है कि वो उसे अभी खाना नहीं दे सकता। ग्रैबर के जाने के बाद फिनी फिर से सो जाता है, लेकिन जल्दी ही फिनी फोन की आवाज से जाग जाता है। वो फोन उठाता है और एक लड़के की आवाज उसे उसके नाम से बुलाती है। डरकर फिनी फोन रख देता है और झट से पीछे हट जाता है, लेकिन फोन फिर से बजता है और फिनी इसका जवाब देता है। वो आवाज उसे कहती है कि फोन को कट ना करे। फोन पर लड़का उसे बताता है कि उसे खुद का नाम याद नहीं है, क्योंकि ये पहली चीज है जिसे मरने के बाद इंसान भूल जाता है। लेकिन उस लड़के को याद है कि वो फिनी से पहले मिल चुका है और उसने फिनी के हाथ की तारीफ की थी बेसबॉल गेम के बाद, जिससे फिनी को पता चलता है कि वो लड़का ब्रूस है। फिनी पूछता है कि क्या उसके लिए भी फोन बजता था। तो ब्रूस का कहना था कि ये उन सभी के लिए बजता था, लेकिन केवल फिनी ने फोन सुना। ग्रैबर भी फोन सुनता है, लेकिन उसे इस पर विश्वास नहीं होता। फिर ब्रूस उसे एक लूज टाइल खोलने के लिए कहता है, जहां वो एक सुरंग खोद सकता है। इस बीच ग्वेन ब्रूस को अपने सपने में देखती है और साथ ही फिनी को किसी के घर के अंदर चिल्लाते हुए देखती है। वो बीच रात उस घर को तलाशने के लिए बाहर निकलती है। उसी वक्त फिनी को लूज टाइल मिलती है, तो वो खुदाई करना शुरू कर देता है और मिट्टी को टॉयलेट में फ्लश कर देता है और खोदे गए होल को एक कारपेट से ढक देता है। अगले दिन ग्रैबर फिनी के लिए नाश्ता लेकर आता है, लेकिन वापस जाते वक्त दरवाजा बंद नहीं करता। फिनी बाहर भागने की सोच ही रहा होता है कि तभी फोन की घंटी बजती है और एक नई आवाज उसे वार्निंग देती है कि दरवाजा खुला छोड़ना ग्रैबर की चाल है। बिली का भूत उसके बगल में दिखाई देता है, हालांकि फिनी उसे देख नहीं सकता। बिली कहता है कि ग्रैबर ऊपर उसका इंतजार कर रहा है उसे पनिश करने के लिए, क्योंकि फिनी भागने की कोशिश करेगा। इसके बावजूद फिनी चुपके से ऊपर जाता है, लेकिन समझ जाता है कि ग्रैबर वहां उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए वापस नीचे लौट आता है और नाश्ता करता है। बाद में बिली फिर से कॉल करता है और फिनी सोडे की बोतल को अपने आप हिलता हुआ देखता है। फिर बिली का भूत दीवार पर दरार की ओर इशारा करता है और वहां से एक केबल ढीली कर देता है और फिर विंडो की तरफ इशारा करता है। इसी बीच ग्वेन सपने में देखती है कि बिली न्यूज़पेपर डिलीवर कर रहा था जब ग्रैबर ने उसे उठा लिया था।
फिनी जल्दी ही केबल तोड़ता है और एक कारपेट यूज करता है केबल को ग्रिल के चारों ओर घुमाने के लिए। फिर वो चढ़ना शुरू कर देता है और खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिल टूट जाती है जिससे वो वापस फर्श पर गिर जाता है। उस शाम ग्वेन अपने पिता से उसके सपने के बारे में पूछती है। टेरेंस ने बताया कि उसकी माँ को भी कुछ इसी तरह के सपने आते थे जिनको वो सच मानती थी, लेकिन सपनों ने उसे बुरे काम करने के लिए कहा, इसलिए ग्वेन की माँ ने सुसाइड कर लिया। उसकी बेटी भी उसी चीज से गुजर रही होती है। ये सोच करके वो कहता है कि सपने सच नहीं है, फिर भी ग्वेन सोचती है कि उसके सपने फिनी को ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए टेरेंस ग्वेन की मदद करता है उस घर की तलाश करने में जो ग्वेन को सपनों में दिखाई देता है, इस उम्मीद से कि वो एक दिन अपने बेटे को ढूंढ लेगा। उसी बीच पुलिस मैक्स के घर पहुंचती है, उसे फिनी के बारे में पूछताछ करती है। मैक्स तुरंत उन्हें अंदर आने को कहता है और बताता है कि वो भी किडनैपिंग की जांच कर रहा है। उसने नोटिस किया कि सभी बच्चों को स्कूल के घर के रास्ते पर किडनैप किया गया है, सिर्फ रोबिन को छोड़कर। रोबिन को सैटरडे दोपहर को किडनैप किया गया था। मैक्स फिर मैप पर कुछ चीजों के नाम बोलता है, जहां मैक्स का मानना है कि किडनैपर यहीं रहता होगा। डिटेक्टिव मिलर और राइट को उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है और मैक्स कहता है कि वो शहर में नया है और अपने भाई के घर में रह रहा है। निकलते वक्त मिलर मैक्स को कॉफी टेबल की तरफ इशारा करते हुए सलाह देता है कि उसके भाई के लौटने से पहले वो साफ सफाई कर ले। जब मैक्स पाउडर सूंघता है तब फिनी उसके नीचे बेसमेंट में फंसा हुआ है। जल्दी ही ग्रैबर खाने के साथ आता है और फिनी का नाम पूछता है। फिनी एक नकली नाम बताता है तो वो आदमी खाना गिरा देता है और उसकी तरफ एक न्यूज़पेपर फेंकता है, जिससे पता चलता है कि ग्रैबर ने पहले ही फिनी का नाम न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था। ग्रैबर बाहर वापस जाते समय दरवाजा फिर से खुला छोड़ देता है। इससे पहले कि फिनी दरवाजा खोल सके, फिर से फोन की घंटी बजती है, लेकिन कोई बात नहीं करता। ऊपर ग्रैबर जागते रहने की कोशिश करता है और फिनी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन फिनी गिरे हुए खाने को उठाता है और फिर सो जाता है। बाद में फिनी को कुछ टपकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो जाग जाता है और चारों तरफ देखता है, और अचानक फिनी एक डेड बॉडी को देखता है जो हवा में लटक रही थी, जिससे खून टपक रहा था। वो डेड बॉडी फोन की तरफ इशारा करती है तो फिनी फोन उठाता है। एक नई आवाज फिनी से कहती है कि ग्रैबर ने सोना बंद कर दिया है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं उसके भाई को पता ना चल जाए कि वही किडनैपर है। फिनी दूसरी तरफ की आवाज को पहचान लेता है, जो कि ग्रिफिन है। फिनी पूछता है कि ग्रैबर ने उसे क्यों नहीं मारा, तो ग्रिफिन कहता है क्योंकि उसने गेम नहीं खेला है, जिससे ग्रैबर उसकी पिटाई कर सके और नेक्स्ट पार्ट पर आगे बढ़ सके। ग्रिफिन ने बताया कि ग्रैबर अभी सो गया है, साथ में ये भी बताता है कि वो डोर में पुरानी बाइक का ताला यूज करता है। उसे कॉम्बिनेशन तो याद नहीं है, लेकिन उसने दीवार पर उसको लिख रखा है। फिनी दीवार पर नंबर्स को ढूंढता है और चुपचाप बाहर आ जाता है। वो ऊपर की ओर जाता है और देखता है कि ग्रैबर रसोई में सो रहा है। उसके पीछे से छुप जाता है और लॉक ढूंढ लेता है। कुछ कोशिशों के बाद उसे सही कॉम्बिनेशन मिल जाता है, लेकिन तभी एक कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है और ग्रैबर जाग जाता है। फिनी बाहर की तरफ दौड़ता है और ग्रैबर फिनी का पीछा करने के लिए अपनी वैन में बैठ जाता है और उसका पीछा करता है। ग्रैबर उसका रास्ता रोकता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, और ग्रैबर पड़ोसियों को अपने घर के बाहर की लाइट जलाते देखकर फिनी को मारने की धमकी देता है अगर उसने एक और आवाज निकाली तो। वे चुपचाप नेबर्स की लाइट बंद होने का इंतजार करते हैं। फिर ग्रैबर उसे मारता है और फिर मैट्रेस पर फेंक देता है। फोन बजने पर फिनी जाग जाता है, लेकिन जब वो कॉल रिसीव करता है तो एक नई आवाज उससे बात कर रही थी। वो आवाज को पहचानता है, जो वैंस की आवाज थी, जो कि स्कूल का पिछला बुली था। वैंस का भूत उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि आज का दिन वो दिन है जिससे वो डर रहा था। उसी समय ग्वेन उस दिन का सपना देखती है जब वैंस पकड़ा गया था दुकान में दो बच्चों को मारने के लिए, और वो ब्लैक फोन पर फिनी और उसकी बात भी सुन लेती है। पुलिस की गाड़ी वैंस को ले जाते हुए एक घर के पास रुकती है और जागने से पहले ग्वेन घर का नंबर देख लेती है। वैंस फिनी से कहता है कि स्टोरेज रूम, जो कि वॉशरूम वाली वॉल के दूसरे साइड में है, लेकिन वहाँ एक फ्रीजर है जिसका बैक पैनल खोलकर, फ्रीजर का दरवाजा खोलकर वो ऊपर वाले फ्लोर से बाहर की तरफ भाग सकता है। वो फिनी को दीवार तोड़ने के लिए कहता है और फिनी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन वैंस का भूत चिल्लाता है कि ये बदले के लिए है। उसका गुस्सा कमरे में गूंजता है और वो फिनी के ठीक बगल में एक बोतल को तोड़ देता है। एक बार जब चीजें शांत हो जाती हैं, तो फिनी वैंस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है।
दिन भर फिनी दीवार को तोड़ता है और फ्रीजर के पीछे वाले पैनल तक पहुंच जाता है, जिसे निकालने के लिए फिनी अपना सिर अंदर डालता है, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाता क्योंकि वो बाहर से बंद था। थका हुआ फिनी टूट जाता है। तभी दोबारा फोन बजता है। फोन पर रोबिन है, जो फिनी को एक फाइटर कहता है क्योंकि वो हमेशा वापस उठता था मार खाने के बाद भी। वो फिनी को मुक्का मारना सिखाना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि रिसीवर को मिट्टी से भर के इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। वो बताता है कि ये आखिरी कॉल है, इसलिए वो फिनी से कहता है कि जो भी है उसे इस्तेमाल करें। फिर वो दोनों एक दूसरे से गुड बाय कहते हैं और फिनी फोन रख देता है। जैसे रोबिन ने कहा था, फिनी रिसीवर को मिट्टी से भर देता है और केबल को यूज करके गिराने के लिए एक ट्रैप बनाता है। इस बीच ग्वेन फिर से घर को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और तभी ग्रैबर के सारे विक्टिम्स के भूतों को देखती है। इसकी वजह से वो बाइक से गिर जाती है, लेकिन ग्वेन देखती है कि वो उसी घर के सामने रुकी है जिसको वो ढूंढ रही थी। वो तुरंत घर में जाती है और डिटेक्टिव को कॉल करती है। राइट और मिलर बाहर निकलते हैं। उसी वक्त मैक्स नोटिस करता है कि उसके भाई का घर भी उसी एरिया में है जहां उसे लगा था कि ग्रैबर का घर हो सकता है। जल्दी ही फिनी फोन से आवाज सुनता है और रिसीवर को हिलता हुआ देखता है। उसी वक्त लाइट्स ऑन हो जाती है और फिनी रिसीवर पकड़ता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तब मैक्स रूम में आता है और मैक्स ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसका भाई ही ग्रैबर है। ग्रैबर वापस लौटता है और अपने भाई पर कुल्हाड़ी मारता है। तब डिटेक्टिव घर पहुंचते हैं और ग्वेन को बाहर इंतजार करते हुए पाते हैं। डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करने के लिए अंदर आते हैं। ग्रैबर अपने भाई की मौत के लिए फिनी को दोषी ठहराता है। कुल्हाड़ी को निकालने के बाद ग्रैबर अपने कुत्ते को बुलाता है, जो लड़के की तरफ भौंकता है। इस दौरान डिटेक्टिव घर के अंदर आते हैं और घर को खाली देखते हैं। ग्रैबर कुत्ते का पट्टा दरवाजे के पास रखता है, फिर फिनी को कुल्हाड़ी से मारता है लेकिन मिस कर देता है क्योंकि फिनी नीचे की ओर झुक जाता है और फिर टॉयलेट की तरफ भागता है। जब ग्रैबर उसका पीछा करता है तो फिनी केबल खींचता है, जिससे ग्रैबर गड्ढे में गिर जाता है, जिस गड्ढे को फिनी ने खोदा था। ग्रैबर का पैर खिड़की की ग्रिल पर अटक जाता है, जिससे वो फंस जाता है। फिनी उसे फोन के रिसीवर से मारता है, लेकिन ग्रैबर उसे पकड़ लेता है। वापिस लड़ते समय फिनी ने ग्रैबर का मास्क हटा दिया, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। फिनी मौके का फायदा उठाता है और फोन के कोड को ग्रैबर के गले में डाल देता है ताकि उसकी सांसें रुक जाए। अचानक फोन बजता है तो फिनी रिसीवर को ग्रैबर के कान पे रखता है। फोन से ग्रैबर अपने विक्टिम्स की आवाज सुनता है, जो उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, और फिर फिनी ग्रैबर की गर्दन तोड़ देता है। अंत में फिनी फ्रीजर से मीट देकर कुत्ते को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है। उसी समय ऑफिसर छिपे हुए बेसमेंट के दरवाजे को नोटिस करता है। अंदर उन्हें पता चलता है कि ग्रैबर अपने विक्टिम्स को कहां दफन करता था। इसी बीच फिनी घर से बाहर निकलता है और ग्वेन उसे सड़क के दूसरी ओर दिखती है। ग्वेन उसको हग करती है, फिर पुलिस फिनी के पास आ जाती है। जल्दी ही टेरेंस अपने बच्चों से मिलता है और गले लगता है। वो अपने बिहेवियर के लिए अपने बच्चों से माफी मांगता है और दोनों भाई बहन फिर से मिलने की खुशियां मनाते हैं। उसी शाम राइट रिपोर्ट करता है कि कैसे ग्रैबर के पास दो घर थे सड़क के दोनों साइड। एक घर में जहां उसने जिंदा विक्टिम को रखा था और दूसरा वो था जहां ग्रैबर ने विक्टिम्स को दफनाया था। कुछ दिनों बाद फिनी स्कूल लौटता है, जहां सभी बच्चे, यहां तक कि उसकी पिटाई करने वाले बज, मैट और मैटी भी उससे डरते हैं। साइंस क्लास में वो डोना के बगल में बैठता है और पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल की मदद करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।